हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुजराती उंधियू। देखिए, उसके लिए हमें चाहिए बेसन और आटा, और हम उसमें अजवाइन मिलाएंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा मिलाएंगे हम उसके अंदर। और हमने ये कड़ी पत्ते लिए हैं 10 से 12। अब हम इसे बारीक का तोड़ कर डालेंगे उसके अंदर। हमें ये ध्यान रखना है, हम जितना भी बेसन लें उसका 1/4 हमें आटा लेना है, ठीक है, गेहूं का। ये देखिए, हमने अब इसके अंदर हम नमक मिलाएंगे 1 चम्मच, और ये हमने बारीक धनिया काट कर रखा था। अब हम उसके अंदर डालेंगे कम से कम दो एक छोटी कटोरी। अब हम इसके अंदर आधा नींबू का जूस डालेंगे, ये 1 टीस्पून भी आप कह सकते हैं। अब इसके अंदर हम 3 से 4 टीस्पून हम मोयन के लिए तेल डालेंगे। इसके अंदर हमने डाला है चुटकी हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर बारीक पिसा हुआ, 1 चम्मच लाल मिर्च, और आप चाहें तो थोड़ा सा तेज़ भी कर सकते हैं इसे, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। और हमने ये डाला है 2 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट। अब हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे, जो कि हमने पहले से ही काट के रखा था, ये देखिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें मोयन थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम इसके अंदर मोयन और डालेंगे 2 चम्मच, और अगर आपको कम ना लगे तो आप ना डालें। अब हम इसके अंदर जो हमने मेथी को 250 ग्राम मेथी को बारीक काट कर नमक के पानी में भिगो कर कल कर रखा था, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और उसके छोटे छोटे मुठिये बनाकर गरम तेल करे हुए एक पैन में डालकर उसे हल्का सा तलेंगे। हमें उसे पूरा नहीं तलना है, कच्चा पक्का तलना है, क्योंकि हम ये उंधियों में डालेंगे, इसलिए हमें कच्चा पक्का तलना है। इसे पूरी तरीके से नहीं तल, हल्का सा ही तलना है कि उस तल जाए। ये देखिए, अब हम उंधियों की ग्रेवी के लिए एक कुकर लेंगे। उसके अंदर हमने ज़ीरा डाला है, हमने इसके अंदर ऑयल गरम करा था 2 से 3 टेबल स्पून, और ये अब हमने उसके अंदर ज़ीरा और राई डाल दिया है। ये अच्छे से पकने देना है इसे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, ये देखिए हमने प्याज डाल दिया है। अब प्याज थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने आए, जब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई होने देना है प्याज को, उसमें पानी ना रहे प्याज का, ताकि वो नरम ना पड़े। उसका जो बघार होता है प्याज का, जब तक वो लाइट ब्राउन हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया बघार होता है। अब देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता। हमने बहुत सारा कड़ी पत्ता लेकर अच्छा डाल दिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है उंधियों में, इसलिए हमें बहुत सारा डाला है। हमारी ये छोटी छोटी पत्तियाँ थी, आपके पास अगर बड़ी कड़ी पत्ता हो तो उसमें 10 से 15 कड़ी पत्ते बहुत हो जाते हैं। अब ये देखिए, हमारा कड़ी पत्ता स्मेल अच्छी आ रही है हमें बघार में। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये, जैसे फ्राई हो गया, अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा है। कम से कम हम 1 कटोरी, या आप कह सकते हैं 4 से 5 टीस्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन हरी मिर्च और एक प्याज का पेस्ट डालेंगे। उसको हमने सबको मिक्स करके अच्छे से बारीक पीस लिया था। अब इस पेस्ट को हमें अच्छे से डालकर और अच्छे से भूनना है। हमें इसमें जितना भी मसाले में पानी जितना भी है उसे सबको सुखा देना है और अच्छे से भूनना है। चम्मच से अच्छे से हिलाइएगा इसको, और हमने इसमें हरी मिर्च डाली है टेस्ट के लिए। आप भी इसके अंदर हरी मिर्च डालिए, तो फिर जो हम लाल मिर्च डालें उसे अंदाजे से डालें, ताकि इसमें हम हरी मिर्च भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम तीखा स्वाद खाते हैं या थोड़ा मीडियम, जिस हिसाब से खाते हैं आप उस हिसाब से। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, देखा, लगभग आधा भुन चुका है, इसका पानी लगभग आधा जल चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ताकि उससे खुशबू आए, और ये डालना ज़रूरी है इसके अंदर, इससे टेस्ट बढ़ जाता है उंधियू का, है ना। अब हम इसे मसाले के साथ भून लेंगे अजवाइन को, ताकि उसकी खुशबू अच्छे से बस जाए हमारे मसाले में। अब हम इसके अंदर सब अच्छे से चलाएंगे उसको, हम पहले तो पूरा अच्छे से भून लेंगे, फिर इसके बाद मसाले डालेंगे, ताकि हमारे मसाले चिपके ना और हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। जो हमारे सूखे मसाले हैं
वो चिपके भी नहीं और हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से भून जाए और जो बघार की जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसका पूरा अर्क उसके अंदर उतरे। अब ये देखिए हम इसके अंदर डालेंगे सूखे मसाले। हमारे मसाला भून चुका है तो 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर बारीक पिसा हुआ। देखिए हमने अच्छे से डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अच्छे से चला दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बल्लर या पापड़ी जिसको कहा जाता है। पहले सबसे पहले हमने इसे डाला है इसलिए ताकि ये थोड़ी सी भून जाए और गल जाए, क्योंकि इसे गलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए सबसे पहले हम डालेंगे बल्लर और पापड़ी। इसको डाल के हम थोड़ी सी देर ढक कर रख देंगे ताकि ये गल जाए। देखिए ढक्कन को हल्का सा ढकना है, हमें पैक नहीं करना है कुकर को, और वो गल जाए। उसके बाद हमने 4 से 5 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, जिसको हमने 4 भागों में कट किया है, हम उसके अंदर डालेंगे। ये देखिए हमने मीडियम साइज़ के एक कटोरी बैंगन हमने काटे हैं, उसे भी चार चार फाक की है उसकी। मीडियम साइज़ के बैंगन लेना है हमें, आप कोई से भी ले सकते हैं, जो पूरे ब्लैक आते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें दो दो टमाटर बारीक काट कर डाले हैं और थोड़ा सा गुड़ भी साथ में डाल रहे हैं भुनने के लिए। और हम इसके अंदर आधा नींबू अब और यूज़ करेंगे। एक आधा नींबू पहले हमने उसमें मुठियों में यूज़ किया था, अब आधा नींबू हम इसकी ग्रेवी में यूज़ कर रहे हैं। अब मसाला टेस्ट करने का था, हम उसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच, ये देखिए। और अब ये हम इसके अंदर मटर डाल रहे हैं 1 कटोरी, और ये फ्लावर गोभी डाला है हमने 1 कटोरी, और 1 चम्मच गरम मसाला पीसा हुआ। ये देखिए इस तरह से ये पूरा मिक्स हो चुका है, अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसके अंदर कम से कम 1 गिलास पानी डालकर इसको सीटी लगाएंगे। और ये देखिए हमने इसके साथ चापड़ी बनाई है, जिस तरह से हम बाटी बनाते हैं उसी तरह से हमें आ चापड़ी का आटा गूंदना है, और हमें उसे चपटा चपटा बनाना है, और उसे डायरेक्ट तला जाता है, पर हमने इसे थोड़ा सा बेक कर लिया है ताकि हमें अंदर से कच्ची न लगे, और इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने उसे घी ऑयल के अंदर से फ्राई करा है। आप चाहें तो उसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं और तेल में भी, या दोनों को मिक्स करके भी फ्राई कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा ये जो शोरबे वाला ओंधियू है उसके अच्छे से वो सीटी लग चुकी थी, सब सब्जियां गल चुकी हैं और उबाल भी आ चुका है हमारे कुकर में। अब हम इसके अंदर जो हमने मुठिये बना के तैयार किए थे शुरू में, हम उसे डालकर एक उकाला दिलवा लेंगे। अब हमारा बॉईल हो चुका है, मतलब लगभग सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम उसके अंदर धनिया डालकर अब गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारा उंधियू तैयार है, सूप वाला उंधियू। हल्की सी ग्रेवी करी है हमने इसके अंदर, मतलब हल्का सा सूप करा है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर उसे पतला खाना पसंद करते हो तो। और ये उंधियू और चापड़ी आप टेस्ट करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये स्पेशली सर्दियों का बेस्ट गुजराती डिश है। आप जहाँ चले जाएंगे आपको उंधी और चापड़ी मिलेगा, और ख़ास करके मकर संक्रांति पे तो इसे स्पेशल बनाया जाता है। सब छतों पर पतंगे उड़ाते हैं बच्चे, और माएँ हमेशा उंधी और चापड़ी बनाती हैं घर के अंदर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।